सोमवार को राजकीय महाविद्यालय नूरपुर के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दो कॉलेजों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए था और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं मिड टर्म में कॉलेज खोलने के कारण ना तो वहां छात्र पहुंच पाए और जहां से प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्तियों के कारण दूसरे कॉलेजों के छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्कूल खोले गए जिनका पता ही नहीं। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक अनेकों इंस्टीट्यूशन जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई, ना तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया, ना वहां पर कोई स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ देखी गई, ना उसके लिए प्रॉपर स्टाफ का जो है वो बंदोबस्त किया। वहीं निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा कि इस फीस स्ट्रक्चर को लेकर अभी तक कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार इस पर या तो नया कानून बनाएगी या पुराने नियमों में संशोधन करने का विचार करेगी। रूसा को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि रूसा को नहीं हटाया जा सकता क्योंकि इसमें सेंटर से भारी भरकम फंडिंग होती है। वो रूसा के विरोध नहीं करते हैं लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा ताकि इससे और सरल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कमेटी गठित की जा रही है, इसके परिवर्तन की संभावनाएं भी तलाश की जा रही हैं और अगले सत्र से इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। निजी स्कूलों में हो रहा है तो वो उसमें भी मैंने बच्चा जो है निजी स्कूल में देखा है तो इनको भी लगता है कि बच्चे वहां होता है, अब उनकी कैपेसिटी है या नहीं है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस वगैरह जो है इतनी एग्जॉर्बिटेंट जो है बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, जो जाना संभव नहीं है। यही सवाल देखिए, रूसा जो है ना, रूसा शब्द से जो है वो कोई विरोध नहीं है, किसी को भी विरोध नहीं हो सकता है क्योंकि रूसा तो जो SSA से किसी को विरोध नहीं है, RMSA से किसी को विरोध नहीं है, वैसे रूसा से भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फंडिंग जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि जिसके द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मिडिल एलिमेंट्री के लिए है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चल रहा है, पैसे देते हैं, सब खुश हैं। SSA सब शिक्षा अभियान भी ठीक चल रहा है। रूसा में कुछ एग्जामिनेशन पद्धति वगैरह जो है वो अलग इंट्रोड्यूस की थी, वो गलत ढंग से जो है इम्प्लीमेंटेशन की गया उसकी, उसको हम बदल करेंगे। हमारे विजन डॉक्यूमेंट में भी रूसा नहीं है, हमारे है रूसा के अंदर जो है वो सेमेस्टर से एनुअल सिस्टम जो भी उसको एग्जामिनेशन करने के लिए हम जो है एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो एग्जामिन करके जो है वो शीघ्र रिपोर्ट देंगे ताकि अगले एकेडमिक सेशन से पहले पहले जो है वो हम इस पर निर्णय ले सकें क्योंकि इसके अंतर्गत आपका जो घटक छात्र संघ है विद्यार्थी परिषद वो भी विरोध कर रहा है इसी चीज को लेकर। देखिए, हमारा घटक नहीं है विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी परिषद इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच बिलोंग्स टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट, इट इज नॉट अवर विंग। विद्यार्थी परिषद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा विंग तो जनता युवा मोर्चा है। तो हाँ ये ठीक है, हमारे स्कूल ऑफ थॉट इस उनके भी है, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में है, मैंने विधानसभा में बोला है, ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट में जो है उस पर हम कमेटी बना रहे हैं, कल परसों तो बन जाएगी और उनसे हम कहेंगे कि भी जल्दी मैंने जो है वो रिपोर्ट दें अपनी नेक्स्ट सेशन से पहले कोई चीज़। इसमें क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, केवल मात्र जो है वो हमारे कहने से रूसा बदल जाएगा तो उसके कारण जो है बहुत सारी चीजें, जो पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, सारे कॉलेजेस को पैसा दे रखा है पिछली सरकार ने, जो रूसा से आया वो पैसा है तो केंद्र सरकार ने दिया है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिया है, प्लस ये जो नई अमेंडमेंट आया उसमें सर अपील कर दो, ये जो नई अमेंडमेंट